और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मंदसौर से आ रही है, जहां कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। विवाद के दौरान कांग्रेस कार्यालय के दरवाजे कुर्सियां टूटी हैं। नगर पंचायत चुनाव की दावेदारी को लेकर यहां बैठक चल रही थी, इसी दौरान विवाद हो गया और कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। दरवाजे कुर्सियां टूटने की खबर है, तो इस वक्त मंदसौर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय में आपस में भिड़े हैं कांग्रेस नेता। नगर पंचायत चुनाव के दावेदारी को लेकर ये सब हंगामा हुआ, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, कुर्सियां टूटी, दरवाजे टूटे, आपस में ही भिड़ गए कांग्रेस नेता। नगर पंचायत चुनाव के लिए दावेदारी को लेकर ये बैठक चल रही थी, इसी दौरान आपस में इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विवाद हो गया और आपस में ही ये लोग भिड़ गए। कुर्सियां टूटी हैं, दरवाजे टूटे हैं कांग्रेस कार्यालय के। तो इस वक्त की बड़ी खबर मंदसौर से। जहां कांग्रेस कार्यालय में हंगामा हुआ है, कांग्रेस कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए, नगर पंचायत चुनाव को लेकर दावेदारी को लेकर यह बैठक हो रही थी। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से आपस में धक्का मुक्की हंगामा यहां पर हुआ है। भीड़ देख सकते हैं आप कांग्रेस कार्यालय में किस कदर थी। कमलेश मोदी हमारे संवाददाता मंदसौर के हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। कमलेश, कैसे ये विवाद शुरू हुआ और क्या कुछ घटा इस दौरान वहाँ? जी अविनाश, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, जनपद के चुनाव और जिला पंचायत के जो चुनाव होना है, उसको लेकर दोनों ही पार्टी जिस तरीके से बैठक कर रही है और अपने अपने परिवेशक, अपने अपने पार्टी के परिवेशक जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ कार्यकर्ताओं की कमियां हैं, क्या कुछ उनकी जो बातें हैं वो उन जानने के लिए वो बैठक कर रहे हैं। आज इसी के चलते मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पे जो परिवेशक है बटुक शंकर जोशी, उनके सामने आज बैठक हो रही थी। वहीं जो खलील शेख, जो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जाने माने कांग्रेस कार्यकर्ता माने जाते हैं, जिन्होंने जिन्होंने के ऊपर पूर्व में कुछ मामले थे, जो उनके जो व्यक्तिगत मामले थे वो व्यक्तिगत मामले कार्यकर्ताओं द्वारा, अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा लाया गया और उनका आरोप है कि जो पूर्व मंत्री नरेंद्र जी नाटा ने उनके ऊपर मुकदमा कायम कराया। तो इस तरीके से जो वार्तालाप जो है, वार्तालाप बढ़ते 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 कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस कदर बढ़ गई और हाथ पर चलना और जो लात घुसे हैं वो चलना शुरू हो गए हैं, जिसमें कुछ कार्यकर्ता चोटिल भी हुए हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय रेफर भी किया गया है जहाँ उनका उपचार चल रहा है। मगर इस तरीके से पार्टी में, जहाँ पार्टी एक अमन सामंजस्य बिठाने की और एक होने की बात करती है, मगर कहीं ना कहीं निचले स्तर पे जिस तरीके से जो इस पूरे मामले में किसी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का कुछ बयान, ये क्यों हंगामे की स्थिति निर्मित हुई और इतनी मारपीट और धक्का मुक्की हंगामा, दरवाजे तोड़ दिए गए, कुर्सियां तोड़ दी गई, इतना सब कुछ हंगामा वहां हुआ, इसको लेकर किसी वरिष्ठ कांग्रेस नेता का कोई बयान सामने आया है? जी विराज, बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ के जो वरिष्ठ नेता है, जो नवकृष्ण पाटिल जो यहाँ के पूर्व विधायक थे और अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष, एक पूरा ही घटनाक्रम उनके सामने होता रहा, मगर वो कहीं ना कहीं पूरे घटनाक्रम को मूक दर्शक बनते हुए देखते रहे। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो वरिष्ठ नेताओं का जो सामने जो बयान आना था वो अभी तक किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया, सब अपनी अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे पार्टी इस तरीके क्या रणनीति होती है और पार्टी किस तरीके की अब इन कार्यकर्ताओं की परीक्षण लेती है, अनुशासन चलते। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कमलेश।